वहीं राजधानी देहरादून में अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क किनारे खड़े ठेली वालों को पुलिस कई दिनों से ठेली न लगाने के लिए अपील कर रही थी। इसके बावजूद भी सड़क किनारे ठेली वालों का अतिक्रमण घटने के बजाय बढ़ते ही जा रही थी। वहीं जिसको लेकर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि इन ठेली वालों को बार बार चेतावनी दी जा रही थी। जब इन ठेली वालों ने सड़क के किनारे अपने ठेली को लगाना नहीं छोड़ा तो मजबूरन इनके ठेली को सीज कर इनके ऊपर चालान किया जाना था। और इसके बाद आगे उन्होंने बताया कि पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम सेगमेंट वाइज काम कर रहे हैं। हम नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर भी चालान काटने का काम कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई के पीछे शहर को जाम से मुक्त कराना है, देहरादून स्मार्ट सिटी की सुंदरता को बरकरार रखना है। वहीं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। पार्किंग में और मार्केट से लेकर पूरी सभी स्थान से हमारे गाड़ी जाती है। एक तो जो हमारे जो रेहड़ी हैं, ठेली हैं और इसके अलावा जो अनऑथराइज पार्किंग है सड़क पर, ठेली और फूट पर जो गाड़ी पार्क होती है, उसके संबंध में लगातार जैसा आपको विधि तक लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और जो हमारा जो है सेगमेंट बना के फोकस किया जा रहा है, पहले एक सेगमेंट था फिर दूसरा सेगमेंट इस प्रकार से मुक्त करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा हमारे गांधी पार्क है, गंडागर वाला एरिया है, वो ऑलमोस्ट हमारा ठेली फ्री हो चुका है। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे इस प्रकार के अभियान चलाएं। जो ठेली वाले हैं उनको पहले चेतावनी देते हैं, चेतावनी देने नहीं मानते तो फिर उनके फिर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है, फिर उनको सीज भी किया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि मेन जो रोड है, मेन सड़क पर ना आए, जो गलियां वगैरह हैं, ठेली है वो ठेलने का काम है उनका, ये जगह स्टैंड स्टिल ना रहे, अपने गलियों में मेन सड़क से दूर अपना जो सामान वगैरह उसकी बिक्री करें। तो लगातार इस पर भी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे टू व्हीलर है, जो अवैध रूप से सड़क के किनारे पार्क होते हैं, पार्किंग उपलब्ध तो भी पार्किंग में नहीं जाते, तो उनके विरुद्ध भी जो हमारे द्वारा लगातार इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई हमारी आगे भी